कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह ने कोयले के आयात में कीमत बढ़ाकर 12,000 करोड़ की अनियमितता की है और यह पैसा जनता की जेब से निकाला गया है। कांग्रेस नेता ने एक ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संदर्भ में मदद करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अडानी समूह के मामले की जांच कराएं और अपनी विश्वसनीयता बचाएं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने इंडोनेशिया से कोयले आयात किया और कीमत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। यह पैसा देश की जनता के जेब से निकाल लिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी अडानी समूह के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते। राहुल गांधी ने दावा किया कि अडानी समूह से जुड़े मामले के कारण प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता पर असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री की मदद करना चाहता हूं, वह इस मामले की जांच कराएं और अपनी विश्वसनीयता बचाएं। राहुल गांधी के आरोपों पर फिलहाल अडानी समूह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ अनियमितताओं और स्टॉक मूल्य में हेराफेरी का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमलावर है और आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग कर रही है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है।